बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमए इकोनॉमिक्स पार्ट वन की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, इसका चौथा पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न आपको मैंने बताना है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, कोई पोर्शन आपने इसका लाइट नहीं लेना। जैसा कि आपको पता है कि पूरे एमए इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट, ये दो पेपर आमतौर पर स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आपने समझ लेना है। तीन ही कैटेगरीज में आपको मैं डिवाइड करके दे रहा हूं, ये अपने गेस्ट पेपर जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3 वो तीनों लोग शामिल है। आपको पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में फाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स, जिन्होंने बिल्कुल भी स्टैट को अभी तक हाथ नहीं लगाया और अब खैर से वो तैयारी इसकी स्टार्ट करने लगे हैं, या जब भी वो ये वीडियो देखें उनके 2 दिन बाद पेपर है, 1 दिन बाद पेपर है, हफ्ते बाद पेपर है, तो वो कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट है, वो ये वाली चीजें जो भी बताने लगा हूं वो लाजमी तैयार कर ले। ठीक है जी। सबसे पहले जी चैप्टर नंबर 1, आपके पास बुक शहजाद चौधरी की है, शेर मोहम्मद चौधरी है, या लिंड मार्शल है, कैल्विन है, जोन से भी बुक है आपके पास, वो ये टॉपिक आपने उधर से तैयार कर लेना। मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूं और फिलहाल मैं इसको फॉलो कर रहा हूं शहजाद चौधरी को। कौन से टॉपिक लिंड मार्शल से ज्यादा बेहतर है वो मैं आपको साथ बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं शहजाद चौधरी की। उसका पहला चैप्टर है डेटा एंड इट्स प्रेजेंटेशन। शेर मोहम्मद चौधरी में ये 2 चैप्टर्स अलग अलग बनाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन का अलग चैप्टर है और डेटा प्रेजेंटेशन का अलग चैप्टर है। शहजाद चौधरी में ये एक ही चैप्टर है, तो मैं भी इसे एक ही यूनिट मानते हुए आपको थ्योरी के कुछ पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये सारी लाजमी याद कर लें। डाटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं पता होनी चाहिए आपको, ये सारी बातें। डाटा के सोर्सेज जिसमें प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और इनको कलेक्ट करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, लाजमी ये बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, जिसमें ऑर्डिनल स्केल है, इंटरवल लेवल डाटा है, रेशियो स्केल है, ये 4 स्केल होते हैं, इसे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। ये काम आपको लाजमी आना चाहिए। इसके अलावा आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं और इसके स्टेप कौन कौन से हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के, ये चीजें। और इसके साथ ग्राफ्स, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें पाई चार्ट है, आपका बार ग्राफ है और हिस्टोग्राम है, हिस्टोरीग्राम है, वगैरह वगैरह, कौन से डाटे पे कौन सा ग्राफ ज्यादा सूट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, बनाने आने चाहिए। ये सारा थ्योरी का छोटे छोटे काम है, ये बेसिक लेवल के काम है, छोटी क्लासेस में आपने किए होंगे, इसमें से अक्सर वो थ्योरी का कोई ना कोई पोर्शन लाजमी पूछ लेता होता है। 1 चैप्टर हो गया। कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स को मैंने टोटल 5 चैप्टर ऐसे बताने हैं जिनमें से वो हद से पास हो जाएंगे, और ना सिर्फ पास होंगे उनके मार्क्स अच्छे 50 आधे से ऊपर ही आ जाएंगे उनके तकरीबन। दूसरा काम उन्होंने ये करना है जी, चैप्टर नंबर 2 है शहजाद चौधरी में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से, और ये लिंड मार्शल में और शेर मोहम्मद चौधरी में चैप्टर नंबर 3 के नाम से है जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। इसमें आपने जितने भी आपकी एवरेजेस हैं, लाइक मीन है, मीडियन है, मोड है, इन खास तौर पर इन तीनों की प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये तो लाजमी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इन तीनों की वर्किंग, इनके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा के, वेटेड मीन का फार्मूला ग्रुप अनग्रुप का आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसका भी आपको ग्रुप अनग्रुप डाटा का लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है जी। कौन सा क्वेश्चन किस स्टेटमेंट में कौन सी एवरेज ज्यादा सूट करती है, अरिथमेटिक मीन कब लगेगा, वेटेड मीन कब लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन कब लगेगा, हार्मोनिक मीन कब लगेगा, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है जी। शहजाद चौधरी में बहुत अच्छे ये लिखे हुए हैं, शहजाद चौधरी से कर लें, किसी और किताब को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला चैप्टर खासतौर पर। इसके बाद इसी में ही आप ये देखें आपके क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स, इनके फार्मूले ग्रुप और अनग्रुप डाटा के आपको पता होने चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ शहजाद चौधरी का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जी शहजाद चौधरी की बुक का चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। शेर मोहम्मद चौधरी और लिंड मार्शल का ये चैप्टर नंबर 4 बनता है। इसमें आपने जो जो काम करना है
वो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंट फार्मूले आपको पता होना चाहिए। बाज़ुकात वो कोई क्वेश्चन दे के कह देता है इसकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव एवरेज निकालें, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, मीन डेविएशन, ये सब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है और इनके कोफिशेंट्स अगर निकाले जाएं तो वो रिलेटिव डिस्पर्शन होती है, लाइक कोफिशेंट ऑफ रेंज, कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशेंट ऑफ डिस्पर्शन, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, ये सब टाइप्स हैं रिलेटिव डिस्पर्शन की। तो ये आपको काम सारा करना आना चाहिए ग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा में। इसके अलावा इसी चैप्टर में इनकी प्रॉपर्टीज, खास तौर पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इसकी प्रॉपर्टीज आपको लाजमी आनी चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होने चाहिए। और साथ तीन टॉपिक हैं जिनमें वो अक्सर नोट पूछ लेता होता है। सबसे पहले तो वो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है, कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस पे नोट लिखें, आपको पता होना चाहिए इसके डिफरेंट फार्मूले। एक कर्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है, बाउलेस कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है, दोनों के डिफरेंट फार्मूले क्या है, इस पर नोट लिखना आना चाहिए। 8 नंबर का या 12 साढ़े 12 नंबर का वो पूछ सकता है। कर्टोसिस पे नोट लिखें, कर्टोसिस क्या होता है, इसे मैयर कैसे करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इस पे भी आपको नोट लिखना आना चाहिए। तीसरे नंबर पे बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट पे नोट लिखें, इसमें कौन कौन सी चीजें आप फाइंड करते हैं और इसको इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ये। और साथ छोटा सा काम इसमें स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये सारा काम आप कर लेते हैं तो समझ लें कि एक तो कंफर्म क्वेश्चन हो गया और 1.5 क्वेश्चन भी इसमें से आमतौर पे निकल आते हैं, क्योंकि एक आधा नोट भी वो पूछ लेता होता है। इसके बाद आपने जो चौथा चैप्टर करना है कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स ने, वो है इंडेक्स नंबर। समझे बात, इंडेक्स नंबर शहजाद चौधरी में चैप्टर नंबर 9 है, शेर मोहम्मद चौधरी में चैप्टर नंबर 5 है, और लिंड मार्शल के चूंकि डिफरेंट एडिशन होते हैं, हर एडिशन में चैप्टर इसके वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो उधर से भी आप इंडेक्स नंबर से ढूंढ लीजिएगा किस नाम से है। तो इंडेक्स नंबर में सबसे पहले आपको इंडेक्स नंबर के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कंस्ट्रक्ट क्या कैसे होता है, इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, ये कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है, ये थ्योरी में आपको बातें पता होनी चाहिए, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए, वेटेड अनवेटेड इंडेक्स नंबर में डिफरेंस क्या होता है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, अनवेटेड में चेन इंडेक्सेस कैसे बनते हैं, लिंक रिलेटिव कैसे बनते हैं, अनवेटेड में ये काम खास तौर पे देखें। और वेटेड इंडेक्स में चार फार्मूले आपको, लेस्पियर, पाशे, फिशर और मार्शल एजवर्थ, ये चारों आपको लाजमी आने चाहिए, इनमें से अल्लाह के हुक्म से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। छोटा सा चैप्टर, इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, साथ थ्योरी में वो जो पूछ सकता है आपको मैंने बातें बता दी। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI पे नोट लिखें, ये पूछ सकता है, या GDP और रियल GDP, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताएं, बस इंडेक्स नंबर पे ये आपने काम कर लेना है। इसके बाद जो पांचवा चैप्टर आपने करना है वो है टाइम सीरीज का। टाइम सीरीज शेर मोहम्मद चौधरी में चैप्टर 13 है, बुक 1 उसकी, चूंकि दो बुक्स होती हैं, ये बुक 1 में आपको चैप्टर मिलेगा। अभी तक जितना भी काम करवाया ये शेर मोहम्मद चौधरी की बुक 1 में है, ब्लू कलर की बुक है ये। टाइम सीरीज शहजाद चौधरी में चैप्टर नंबर 10 है, और लिंड मार्शल में ये आपको मैं जैसा कि बता चुका हूँ वो डिफरेंट एडिशन होते हैं, चैप्टर 14 भी हो सकता है, 15 भी है, और नए एडिशन में चैप्टर 17 है। अब टाइम सीरीज में कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज के बाद सबसे पहला कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड को मेजर करने के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, खासतौर पर मूविंग एवरेज आपको निकालना आना चाहिए, और ट्रेंड इक्वेशन, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन ये आपको लाजमी आनी चाहिए। इसकी मदद से, लीनियर ट्रेंड इक्वेशन की मदद से फोरकास्टिंग कैसे होती है, सीजनल इंडेक्स कैसे निकाले जाते हैं, और वैल्यूज को डी सीजनलाइज कैसे किया जाता है। टाइम सीरीज में सिर्फ ये काम आपने करना है। तो ये कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही काम है, इसके चूंकि बखेरा इसका ज्यादा होता है, कम अज कम इतना काम आपको करना पड़ेगा, फिर जाके आप पास होंगे। लेकिन इतना काम भी आप कर लेंगे तो 50 मार्क्स आपके इजीली निकल आएंगे। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स, जो कहते हैं कि हमारा पेपर तकरीबन नॉर्मल रैंक का होना चाहिए और हमारे 60 से ऊपर नंबर आने चाहिए।
तो इसके अलावा जो आप लोगों ने काम तैयार करना है कैटेगरी टू के स्टूडेंट, वो रिग्रेशन, सिंपल और मल्टीपल, ये दोनों रिग्रेशन आपने तैयार कर ले। ठीक है जी, ये शहजाद चौधरी में एक ही चैप्टर में आपको सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन दोनों मिलेंगी। चैप्टर नंबर 8 है शहजाद चौधरी का। इसके अलावा आप शेर मोहम्मद चौधरी में देखेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 10 सिंपल रिग्रेशन का है, चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन का है। ठीक है जी, और अगर आप लिन मार्शल पे जाएंगे 13 एडिशन में, वो चैप्टर नंबर 13 और 14, उसमें भी दो सेपरेट सेपरेट चैप्टर हैं। इसके अलावा हर एडिशन में थोड़ा सा एक दो चैप्टर का फर्क है। शहजाद चौधरी उससे अगर आप रिग्रेशन की तैयारी कर लेते हैं तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। इसमें आपने कंप्लीट रिग्रेशन कैटेगरी 1 का तो ये सारा काम करेंगे ना, कैटेगरी 2 वाले उसमें एडिशनल काम ये रिग्रेशन का करेंगे। सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल और मल्टीपल रिग्रेशंस एस्टीमेट कैसे होती हैं, इनके डिफरेंट मेथड कौन से हैं, रिग्रेशन इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, और इनके एडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स, ओएलएस की अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, इसकी लिमिटेशंस, ये थ्योरी में सारा काम लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्कैटर डायग्राम सिंपल रिग्रेशन में आपने देखना है, कोरिलेशन ये सिंपल में भी देखना है, मल्टीपल में भी। मल्टीपल में दो तरह के कोरिलेशन है, एक पार्शियल कोरिलेशन है, एक मल्टीपल कोरिलेशन है। इनके सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए, कोरिलेशन की करेक्टरिस्टिक आपको पता होने चाहिए, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल का भी मल्टीपल का भी, इनके डिफरेंट फार्मूले आपको पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ये आपको निकालना आना चाहिए, डिफरेंट फार्मूले इसके आपको पता होने चाहिए, इस पर नोट लिखना आना चाहिए। अनोवा टेबल क्या होता है, वेरिएशन उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें एक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड और टोटल वेरिएशन है, ये सारा काम आप कर लेते हैं तो रिग्रेशन आपकी कंप्लीट। इसमें याद रहे, अभी बहुत सारी चीजें मैंने इसमें से स्किप करवाई हैं, जो पास्ट पेपर में उसने छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी हुई हैं, वो उनको भी डेफिनेशंस को अगर एक बार हल्की फुल्की नजर मार लेंगे तो फायदा होगा आपका। इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है शहजाद चौधरी और शेर मोहम्मद चौधरी में, ये डेफिनेशन मिलेगी लिन मार्शल में नहीं है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस और प्रडिक्शन इंटरवल क्या होते हैं, ये आपको लिन मार्शल में मिलेगा, ये दूसरी बुक्स में नहीं है, उन पर नोट लिखें, ये आप लिन मार्शल से देख सकते हैं। ठीक है जी, बस इसमें इतना ही काम करें, टेस्टिंग में ना जाएं, टेस्टिंग फिर इसकी कोरिलेशन की अलहदा टेस्टिंग है, रिग्रेशन की अलहदा टेस्टिंग है, और ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, वो काम ज्यादा लंबा हो जाएगा, टेस्टिंग को आप छोड़ दें। इसके अलावा ये सारा काम जो आपको बता दें इतना ही कर लें, काफी है। और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट वीडियो बंद करें, इतनी ये जितनी चीजें आपको बता दी हैं तैयार करें और पेपर देने जाएं, 3 क्वेश्चन कंफर्म, आपकी किस्मत है 4 भी इसमें से आ सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं जी कैटेगरी 3, जो कहते हैं कि बहुत अच्छा पेपर होना चाहिए, ऑप्शनल में हमारे पास चीजें ग्रिप में होनी चाहिए, वो इन तमाम दोनों कैटेगरीज का काम करेंगे। इसके अलावा जो फालतू एडिशनल काम करेंगे वो सैंपलिंग, सैंपलिंग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर वीडियो भी मैं बना चुका हूं, वहां से देखें आपको आइडिया हो जाएगा थ्योरी में क्या क्या चीजें करनी है, सैंपलिंग के रीजंस, सैंपल्स क्यों बनाए जाते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और साथ सैंपलिंग की टाइप्स, जिसमें सिस्टमेटिक सैंपलिंग है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, और साथ छोटी छोटी डेफिनेशन है टाइप 1 टाइप 2 एरर, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एरर्स कौन कौन से हैं, सिंपल रैंडम नॉन रैंडम एरर ये कौन से हैं, सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी एरर ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है, सैंपल डिजाइन, सैंपलिंग फ्रेम, इनकी क्या डेफिनेशन होती हैं, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जूनियर क्लासेस इंटर में बीए बीकॉम में आप करते हैं, ये वही उस लेवल की चीजें हैं। और साथ जो लाजमी आपने काम करना है वो है जी का फार्मूला, जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और जी की वैल्यू देखी टेबल में कैसे देखी जाती है, आपको दो पॉइंट बताए होंगे, पॉपुलेशन मीन गिवन होगा और दो पॉइंट बोलेगा, इन दोनों पॉइंट के दरमियान आप नॉर्मल एरिया फाइंड करें, वो आपने एरिया बताना है कैसे फाइंड, ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी यही टॉपिक है और सैंपलिंग में भी यही काम है, वो आपको दो पॉइंट्स के दरमियान नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया किस तरह निकाला जाता है, डायग्राम कैसे बनाई जाती है, कैसे पता चलता है कि ये उसके दरमियान फॉल कर रहा है, वो तो टेस्टिंग में देखेंगे इसके दरमियान फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा,
यहाँ पे आपने सिर्फ एरिया बताना है, टेबल से वैल्यू देखनी है। टेबल से वैल्यू आपको देखनी आनी चाहिए जी की। सैंपलिंग का काम हो गया। इसके बाद आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसी नाम से ये चैप्टर है जी, लिन मार्शल में इसके दो सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं। शेर मोहम्मद चौधरी में ये बुक टू में आपको मिलेगा चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और ये शहजाद चौधरी में एक ही चैप्टर है। इसमें तमाम टॉपिक एक ही चैप्टर में उसने डाले हुए हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर, वो 5 स्टेप इसके कौन से हैं ये आपको आने चाहिए। इसके अलावा जी टेस्ट कब लगता है, टी टेस्ट कब लगता है, ये फर्क आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा जिस जिस वक्त दो आपको पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरियंस गिवन हो, उनमें जी टेस्ट कब लगता है, टी टेस्ट कब लगता है, ये आपने डिफरेंस वाले क्वेश्चन इनकी टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। और एक एक वैल्यूज जब गिवन हो उनकी टेस्टिंग आपको लाजमी करनी चाहिए, आनी चाहिए। प्रोपोर्शन वाले आप रहने दें, जी और टी टेस्ट कब लगता है ये लाजमी देखें। और याद रखें जिस वक्त डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, वेरियंस टी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वेरियंस इक्वल और नॉट इक्वल, ये दो केसेस हैं। नॉट इक्वल वाला बेशक आप काट दें, इक्वल वाला कर लें, बस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ये काम हो गया। इसके अलावा फोरकास्टिंग के नाम से चैप्टर होगा, रिसेंट ईयर्स के आप पास पेपर उठा के देखें, फोरकास्टिंग वो लाजमी पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 11 होगा शहजाद चौधरी में। इस फोरकास्टिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इसके डिफरेंट मेथड कौन से हैं, खास तौर पे मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, स्मूथिंग, स्मूथिंग में फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के नाम से एक टॉपिक होगा, ये लाजमी आपको निकालना आना चाहिए। फोरकास्टिंग एरर कैसे निकलता है, फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, ये आपको सारे काम लाजमी लाजमी पता होने चाहिए। ये काम हो गया जी, इतना ही कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई बैकअप में आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, एक आधा जो यूपीएस का काम करे आपको, फिलहाल आपकी बिजली फौरी तौर पे मुनकता ना हो जाए पेपर को देख के, तो आपकी बिजली बहाल रहे, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बिजली मुनकता नहीं होने देगा आपके दिमाग की, उसमें दो छोटे छोटे काम, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर की टेस्टिंग, काई स्क्वायर के मेरिट डीमेरिट प्रॉपर्टीज ये देख लें, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा की टेस्टिंग ये कब लगती है ये आपको पता होना चाहिए, अनोवा की टेस्टिंग कब लगेगी और काई स्क्वायर कब लगेगा। और इससे पहले जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग बताई है जिसमें जी और टी टेस्ट लगते हैं वो अलहदा टेस्ट है, ठीक है जी। काई स्क्वायर का अलहदा, इसमें एफ टेस्ट लगता है और अनोवा की टेस्टिंग में भी एफ टेस्ट लगता है, इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। इतना काम करके आप पेपर देने चले जाएं, बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में भी होगा, और पेपर आप 100% अटेम्प्ट करके आएंगे अगर ये सारी चीजें आपकी ग्रिप में है। प्रोबेबिलिटी वो आमतौर पर मैं स्किप करवा देता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी प्रोबेबिलिटी में से भी बताएं, हमें पता होना चाहिए क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी के भी ये वो जो स्टेरिक लगा होता है चैप्टर्स में, वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी उनको मैं आइडिया बता देता हूँ, या जिन्होंने बीएससी में पहले मैथ किया हुआ है प्रोबेबिलिटी को भी देख लीजिएगा। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इसके कुमुलेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके फार्मूले कब लगते हैं ये आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होती है, इसके करेक्टरिस्टिक मेरिट डीमेरिट बायनोमियल के भी करेक्टरिस्टिक्स ये आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी के फार्मूला कब लगता है और वैल्यूज कैसे देखी जाती हैं ये आपको सारा काम पता होना चाहिए, जो सैंपलिंग में किया था उसी से मिलता जुलता यहाँ पे भी आपको काम है ये। हाँ, और कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्म्स हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान क्यों होती है, ये बेसिक बुनियादी बातें, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं आपको पता होनी चाहिए। क्लासिकल की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये आपको आनी चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम, बस इतना सा काम प्रोबेबिलिटी में करके चले जाएं तो मेरे भाइयों आपका बहुत बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। ये आपने नहीं समझना कि सर ने स्टैट के इतने ज्यादा टॉपिक बता दिए हैं और ये सारा कुछ ही सर ने बीच में बता दिया है, तकरीबन जो कैटेगरी 3 के स्टूडेंट है पूरी बुक का, मैंने तकरीबन उनको 50% ये भी बताया है, इसका सिलेबस है इतना ज्यादा, भाई अब मैं क्या करूं, ठीक है। और जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट है वो 50% से भी कम बताया, कैटेगरी 1 वालों को मैंने सिर्फ 30% सिलेबस बताया है, जिसमें से आपका
40 से 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। दो में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।